आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मूली के अचार की रेसिपी, जिसे हम सर्दियों में बनाते हैं। ये फटाफट से बनकर के 5 मिनट में तैयार हो जाता है और सिर्फ 3 चीज़ों से बनाना है हमें इसे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मूली ले लिया है, साथ में हरी मिर्च ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे, मतलब जितना मूली हो उस हिसाब से तेल डालें, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना है हमें। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच तेल का यूज़ किया है क्योंकि मैंने मूली कम लिया है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा उसमें हम डायरेक्ट मूली को डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम मूली को भून लेंगे अच्छे से। इसे बस एक बार ऐसे ही चलाना है। मीडियम फ्लेम पे मूली को कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मिला देंगे इसे। मिलाने के बाद गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है और मूली को कवर करके ढक देना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद इसे फिर से चेक करेंगे और अगर आपकी मूली पक गई है तो इसे फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर मूली नहीं पकी है तो मूली को थोड़ी देर के लिए और पका लें, जब तक मूली एकदम अच्छे से पक ना जाए। इसमें बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए मूली जो है अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च जो हमने रखी है। आप चाहें तो बीच से कट भी कर सकते हैं या फिर बिना कट किए भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपर से बहुत थोड़ा सा मैंने हल्दी यूज किया है जिससे मूली का कलर चेंज हो जाए। ना आधा चम्मच है ना थोड़ा सा है, बस चुटकी से थोड़ा सा डाल देना है जिससे इसमें पीला कलर आ जाएगा। मिला देंगे इसे। मिक्स करने के बाद मूली को हमें फैला देना है। अब इसे ढक देंगे जिससे जो मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाए। बस कुछ सेकंड्स के लिए ढकना है और चेक कर लेंगे उसके बाद। तो अगर मिर्च सॉफ्ट हो गई है तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और नींबू का रस इसमें डाल दें। तो मैंने यहाँ पे आधा नींबू लिया है, उसका रस मैंने इसमें निचोड़ दिया है। आप चाहें तो नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं, बात एक ही है। गैस का फ्लेम बंद करके ही नींबू का रस इसमें डालना है और उसके बाद इसे मिला देंगे जिससे नींबू जो है वो मिर्च और मूली में मिल जाए अच्छे से। तो ये गर्मा गर्म मूली का अचार बनके तैयार है, बिना मसालों वाला। अब ये थोड़ा गर्म है तो हल्का सा ठंडा कर लें इसे और उसके बाद दाल चावल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खाएं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इस अचार को बना करके ट्राई ज़रूर करें। ये विंटर में बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।